मतलब जब रिजर्व में लग जाती है तो 1.4 लीटर के आसपास इसमें फ्यूल बच जाता है। सेमी डिजिटल या डिजिटल नहीं मिलता है भाई, 71,000 रुपये की बाइक में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको एनालॉग मिल जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है भावना चौधरी और भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हम सभी कोई ना कोई बाइक कोई ना कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसी को देखते हुए कंपनी अपने लाइनअप को अपडेट भी कर रही है। बजाज ने भी अपनी सबसे सस्ती बाइक कहें या सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक कहें, ये कम्यूटर सेगमेंट की सबसे फेवरेट बाइक कहें, CT125 का नया मॉडल CT125X लॉन्च कर दिया है। इस बाइक के प्राइस स्टार्ट होते हैं लगभग 71,000 के आसपास एक्स शोरूम। यह बाइक माइलेज का और पावर का एक ऐसा पैकेज है जिसे कम्यूटर सेगमेंट की बाइक खरीदने वाले लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसकी बिक्री हर महीने बहुत ही अच्छी खासी होती है। फिलहाल कंपनी ने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ही वीडियो प्रोसेस कीजिएगा। अब इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो है 11 लीटर का और इसमें रिजर्व में आप चला सकते हैं 1.4 लीटर के आसपास, मतलब जब रिजर्व में लग जाती है तो 1.4 लीटर के आसपास इसमें फ्यूल बच जाता है। माइलेज की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह बाइक माइलेज देती है करीब 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। मैं अपनी सभी वीडियो में कहती हूँ कि माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे इस बाइक को राइड कर रहे हैं। प्राइस मैंने आपको बता दी है, 71,000 के आसपास इस बाइक के प्राइस रखे गए हैं और इसकी टॉप स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस बाइक के इंजन की। इसमें आपको मिलता है 125 सीसी का इंजन जो 10 पीएस की पावर जनरेट करता है और 11 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन डाउन शिफ्टर्स के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है और यह इंजन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपने बजाज की डिस्कवर 125 में देखा होगा, उससे यह इंजन लिया गया है। एक और एडिशनल चीज आपको बता देते हैं, बजाज की जो डिस्कवर 125 है उसका भी नया मॉडल कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली है। वापस आते हैं इस मॉडल पर, CT125X पर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट की। फ्रंट में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको राउंड हैलोजन सेटअप मिल जाता है फ्रंट में, मतलब ये जो आपका हेडलैम्प है ये हैलोजन लाइट के साथ आता है, राउंड है और यहाँ पर इसे कवर किया गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ऊपर LED DRLs मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं दिए गए हैं, 3 कलर ऑप्शन में ये आपको मिलती है और फ्रेम में जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है। वहीं जो बहुत ही खास बात है इस बाइक में, इस नए मॉडल में, वो है यहाँ पर फ्यूल टैंक पर दिए गए आपको ये पैड। इसकी वजह से बाइक का जो लुक है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन हो जाता है, ज़्यादा प्यारा हो जाता है। सिंगल सीट आपको इसमें ऑप्शन में मिल जाती है। बाइक के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है और रियर में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक जो कि 240 mm का है। इसके साथ ही टायर की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट के टायर हैं 80x100 सेक्शन के 17 इंच के टायर हैं और रियर में आपको 100x90 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। बाइक का जो ऑल ओवर व्हील बेस है वो है 1285 mm। अब बजाज की जो ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है ये कंफर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब आप जो डेली राइड करने वाले लोग हैं वो इस बाइक को ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके हिसाब से राइडर और पिलियन राइडर दोनों के कंफर्ट को देखते हुए इसमें हम फोम सीट्स दी हुई हैं और इसमें आपको एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है USB पोर्ट के साथ। जी हाँ, इसमें आपको एनालॉग मिलता है, सेमी डिजिटल या डिजिटल नहीं मिलता है भाई, 71,000 रुपये की बाइक में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको एनालॉग मिल जाता है और इसमें USB पोर्ट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। सिंपल डिजाइन है बाइक का, ट्रू कम्यूटर बाइक जिसे कह सकते हैं वो है, मतलब कोई फालतू का झंझट नहीं है, कोई फालतू की चीजें नहीं है, कोई फालतू की एक्सेसरीज नहीं है। बाइक का वजन बहुत ज़्यादा कम है, पीछे भी लगेज के लिए आराम से आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आप इजीली लगेज जो है अपना बांध सकते हैं, कुछ भी आप सामान ले जा रहे हैं इजीली यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, तो ये स्पेस बड़ा अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पर। अब कलर ऑप्शन मैंने आपको अभी बताया कि ये ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ है, इसके अलावा आपको ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है और ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन भी इसमें दिया गया है। यह बाइक 125 सीसी सेगमेंट में हीरो की सुपर स्प्लेंडर, सही सुना आपने, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कम्यूटर बाइक हीरो स्प्लेंडर को टक्कर देती है। अब कितना प्राइस मैंने आपको बता दिया है, 71,000 के आसपास इस बाइक के प्राइस रखे गए हैं और इसकी टॉप स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।